What a relief. तुम्हारे हाथों में तो जादू है. हेलो. ओ हाय पापा. सनी बेटा, हाउ आर यू? जस्ट मिसिंग यू. मिसिंग यू टू बेटा. क्या कर रहे हो तुम? एंजॉयिंग पापा. एंजॉयिंग व्हाट? रीडिंग बुक्स एंड नॉवेल्स. रीडिंग बुक्स? हाँ, गुड. जानते हो, बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन. जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो दिल लगाकर पढ़ता था मैं. मैं भी वही कर रहा हूँ ना पापा. आई एम ट्राइंग टू बी अ वर्दी सन ऑफ अ वर्दी फादर. कीप अप द गुड वर्क माय बेटा. बाय. ओके बाय पापा. अपने डैडी से झूठ बोलते हो? कभी कभी बोलना पड़ता है. यू नॉटी. अभी लोकेश, अभी मोटू क्या कर रहा है? अभी देखता नहीं क्या? एक्सरसाइज. बॉडी की या पेट की? क्या मतलब? अबे कभी तो मुंह धो लिया कर. अबे शेर भी कभी मुंह धोता है क्या? शेर तो पोटी करने के बाद वो भी नहीं धोता. हाय सनी. हाय लोकेश. हाय सनी. क्या बात है मेरे यार, आज इतनी सवेरे सवेरे स्कूल जा रहा है? ए मोटे, जरूर कुछ गड़बड़ है. कोई गड़बड़ नहीं है. तुम दोनों आलसी हो और तुम दोनों के साथ मैं भी आलसी हो रहा था, लेकिन अब मैं सीरियस हो गया हूँ. मेरे पापा कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज. और हाँ, समझदार बच्चे हमेशा जल्दी स्कूल जाते हैं. यार बल्लू, अपना ये सन्नी कुछ जल्दी समझदार हो रहा है. गुड मॉर्निंग गोविंद सर. अरे बेटा, तुमने मुझे सर कहा? हाँ, क्योंकि स्कूल के असली सर तो आप ही है ना, जो स्कूल बंद होने के बाद भी स्कूल में रहते हैं. तो मेरे पापा कहते हैं स्कूल का सबसे बड़ा सर स्कूल का चपरासी होता है. अरे सनी बेटा, तू आजकल इतनी जल्दी क्यों आता है? सर, अक्लमंद स्टूडेंट तो वही होता है ना जो स्कूल में पहले आकर पहली कुर्सी पकड़े, तभी तो वो पहला नंबर आएगा ना. हाँ, जा बेटा सनी, जल्दी अपनी कुर्सी जाकर पकड़ ले. थैंक यू सर. कितना अच्छा बच्चा है. एक मैं उल्लू का पट्टा, स्कूल से बचपन में भाग जाया करता था, इसलिए तो झाड़ू मार रहा हूँ स्कूल में. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेलकम मिस अलवालिया. वेलकम. सॉरी सर, मैं 7 मिनट लेट हो गई. सो व्हाट? इस पर डरने की क्या बात है? टेक योर सीट, टेक योर सीट. सर मेरी क्लास. इतनी भी क्या जल्दी है? मैं हूँ ना मिस अलवालिया. व्हाट सर? आई एम नॉट मिस, मिसेस. आई नो, आई नो. जब से तुम्हारी शादी हुई है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए तुम मिस हो. यू वेरी नॉटी नॉटी सर. नॉटी नॉटी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आप यहाँ क्या लेने आए हो? हाँ सर, वही तो हम जानना चाहते हैं. मतलब आपने हमें क्यों बुलाया सर? मैंने बुलाया? मैंने कब बुलाया? मैंने, हाँ, मैंने ही बुलाया है. आपका पेट बढ़ रहा है या टाई छोटी होती जा रही है? आपकी सारी कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही हैं. हाँ, लोगों के घरों में ताक जाक करते हो. हाँ देखो, यही वक्त है, सुधर जाओ नहीं तो रस्टिकेट कर दूंगा. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल. यस सर. गो. थैंक यू सर. वेलकम. ये प्रिंसिपल गोम्स अपने आप को समझता क्या है? जब देखो हमारी. आई नो यार, पता नहीं लड़कियों को देखकर हमारी हवा क्यों निकल जाती है. अभी हम छोटे हैं ना यार. पता नहीं यार, हम लोग बड़े कब होंगे.
मॉर्निंग मिस। अरे हाय सनी। हाय बल्लू। हाय लोकेश। अबे ये क्या कर रहा है? दिखता नहीं है, फ्लाइंग। मगर किधर? गोइंग टू USA। बट टिकट, वीजा एंड पासपोर्ट? अरे बाबा है ना, ऑल इन वन, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाय बॉयज, कम इन। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? नथिंग मैम, जस्ट लुकिंग एट यू। ओह, आपका रस्सी कूदना देख रहे हैं, जो आपकी खूबसूरती का राज है। थैंक यू। एक्चुअली स्किपिंग करने से एनर्जी भी मिलती है और फिगर भी मेंटेन रहता है। राइट मैम। तुम्हारा नाम क्या है? मी मैम, आई एम लोकेश, लोकेश भाटिया, क्लास 10th। हाँ, तुम्हें स्किपिंग चालू करनी चाहिए, काफी मोटे हो। यस मैम। गुड, बाय द वे, Why have you come here? लोकेश, बल्लू। ये दोनों भाग क्यों गए? मैम, वो क्या है ना, वो दोनों डर गए। हिम्मत नहीं हुई ना आपसे वो मांगने की। मांगने की? क्या मांगना था? पानी। ओह वाटर। यस जस्ट अ मिनट। इधर आना। टुकर बोल तू। अरे पापा इधर आओ ना। टुकर ना। अबे बात करना तू। कम या। मैम। Anything secret? No ma'am. Water. Thank you ma'am. Welcome. Thank you ma'am. Madam, you are like USA. USA? You mean United States of America? Yes ma'am. Right. तुम्हारा कहने का ये मतलब है that I look like an American? Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much. You're so sweet. Thank you, ma'am. Yeah. Thank Bye. You. Bye. Wow. American. Well, not bad for an American. अब आज से आपका विंटर वेकेशन शुरू हो रहा है। हर लड़के अपने अपने घर जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, टीचर्स ने जो होमवर्क दिया है वो खत्म करना पड़ेगा। यू हैव टू कंप्लीट इट, ओके? बिकॉज आफ्टर 25 डेज सेकेंड सेशन के साथ अपना ये स्कूल रीओपन हो रहा है। समझ में आया? एनीवे, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, एंजॉय वेकेशन। यस सर। बस यार, दिल करता है जल्दी से नासिक पहुंच जाऊं, अपने घर। नासिक? अरे वहाँ के अंगूर तो बड़े फेमस है यार। ऑफ कोर्स, यू नो मेरे डैडी अंगूर एक्सपोर्ट करते हैं। वाओ। और लंगूर इंपोर्ट करते हैं। तो मेरे को लंगूर बोला? सॉरी यार, वो क्या है ना, मैं लंगूर को लोकेश नहीं बोल सकता ना। अरे देखा सनी कैसे लंगूर की तरह बिहेव कर रहा है। चुप कर, भुसावल के केले। अरे यार स्टॉप ऑल दिस, केले अंगूर, लेट्स एंजॉय आवर वेकेशन यार। हाय सनी। हेलो, वेलकम होम। How was the flight? Good, Mr. Rocky. चलो घर चले। Where's Papa? Busy as usual. No time for me? Don't worry, मैं हूँ ना। चलो। Okay. Good morning, sir. Hello. Good morning. Good morning. These are the messages for you, sir. 23rd August, you have a meeting. Mummy, देखो, मैं पापा से मिलने आया हूँ, but he is so busy. उनके पास मेरे लिए time ही नहीं है. और मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ,
बिजनेस टाइकॉन मिस्टर मोहन शर्मा का बेटा, बट मैं बहुत अकेला हूँ मॉम, सच में मैं बहुत अकेला हूँ। आई स्वेयर आई ऑलवेज फील माई सेल्फ अलोन। कोल्ड कॉफी और हॉर्लिक्स लाऊं सर? नो। जी क्या आप मुझे ये पास करेंगे प्लीज? सनी आ गया? या एक्सक्यूज मी सर, लंदन से मिस्टर विल्सन का फोन है। हेलो हेलो मिस्टर विल्सन, हाउ आर यू? यस यस, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड ओवर हियर, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पार्टनरशिप। हाँ जी, यू बी रेस्ट अश्योर्ड एवरीथिंग विल बी वर्क्ड आउट जस्ट फाइन ओवर हियर। ओके मिस्टर विल्सन, टेक केयर, बाय बाय। अरे भाई सोफिया, कम जॉइन अस। थैंक यू। थैंक यू सर। सनी बेटा, तुम यहाँ कैसे? पापा, इट्स माय विंटर वेकेशन। आ, विंटर वेकेशन, गुड 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 गुड। सॉरी 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 सर, इट्स ओके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग रॉकी। अरे भाई, वो लंदन से डेलीगेशन आ रहा है, आई माइट नॉट बी देयर टू एंटरटेन देम। उनके एंटरटेनमेंट का क्या प्लान बनाया है तुमने? एक ग्रैंड डिस्को पार्टी अरेंज की है सर। ग्रैंड डिस्को पार्टी, सुपर परफेक्ट। सनी बेटा, तुम कभी डिस्को गए हो? नहीं पापा। वेरी गुड रॉकी, तुम हमारे बेटे सनी को उस डिस्को पार्टी में जरूर ले जाना। ऑलराइट? ओके सर। गुड, हैव अ गुड टाइम। ओके पापा। ये क्या कर रहे हो सनी? वो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ऐसे लटकने से डोले शोले निकलते हैं, हाइट बढ़ती है। इस उम्र में डोले शोले देखना अच्छी बात नहीं है, नीचे आ जाओ। क्यों? ये उम्र लड़कियों को देखने की नहीं है। अच्छा, मेरी नहीं तो क्या तुम्हारी उम्र है? डोंट इंटरफेयर विथ मी, माइंड योर ओन बिजनेस। आज मत होश हुआ जाए रे, मेरा मन शरारत करने को ललचाए रे। हाँ?
ये पब्लिक प्लेस में तुम ये सब क्या कर रहे हो? टाइम पास, इट्स वेरी टेस्टी। व्हाट? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? व्हाई? एवरीबॉडी लाइक इट। आप भी ट्राई करें। देखा, ले लो सोडा, मेक्स गर्ल एक्साइटेड। कट, ओके। वेल डन रुबीना, वेल डन, बहुत अच्छा किया। थैंक यू, थैंक्स। अब हमारी एड और अच्छी हो जाएगी। यस, थैंक यू। हाय रुबीना, ये सब क्या कर रही हो? मॉडलिंग। नॉनसेंस, तुम्हें मॉडल नहीं, टॉप की हीरोइन बनना है। हीरोइन? लेकिन हीरोइन मुझे कौन बनाएगा? व्हाट डू यू मीन? ये बंदा किस मर्ज की दुआ है? तुम मेरे फिल्म की हीरोइन हो, जिसका हीरो होगा शाहरुख खान। शाहरुख खान? थैंक्स रॉकी, तुम मेरी जिंदगी के वो पहले आदमी हो जो मेरी दूसरी चाहत को पूरी करोगे। दूसरी चाहत? यस, फर्स्ट एक्टिंग एंड सेकंड लव मेकिंग। आप लोग इधर। अमर, अकबर, एंथनी, थ्री ब्रदर्स फ्रॉम वन मदर। बट बात क्या है, आप लोग रॉकी को इस तरह क्यों मार रहे हो? बताओ बताओ। सुन चिकनी, तेरा ये ढक्कन हमारे सुल्तान भाई से 10 लाख रुपए लिया जुआ खेलने के लिए, और हमको वापस करने का टाइम आया तो पलटी मार गया। सुल्तान मुल्तान से हमको फोन किया और हम पैसा वसूली का कॉन्ट्रैक्ट लिया। रॉकी, इनका पैसा दे दो ना। आएगा तो दे दूंगा। ए चैप्टर, पैसा लौटा दे वरना तेरे को टपका देंगे। बस मुझे 30 दिन का टाइम दे दो, सब बराबर कर दूंगा। यस सर, प्लीज 30 डेज। हाँ, दिया, दिया। तेरी इस चिकनी को देखकर तुझे टाइम दिया, लेकिन टाइम खत्म हुआ तो तू खलास। लेट्स गो, लेट्स गो। रॉकी, 30 दिनों में इनका पैसा तुम कैसे वापस करोगे? करना होगा, एनीवेज करना होगा। पेग, बोरो और स्टील, वरना ये लोग मेरा गेम बचा देंगे। वाओ, हाँ? क्या है? पापा नहीं बुलाया है। ठीक है, इतनी सी उम्र में जवानी के जलवे। सनी बेटे, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट्स अ बिजनेस असाइनमेंट, मेरा लंदन जाना बहुत जरूरी है। बेटे, इट्स अ कमिटमेंट मेड बाय योर फादर, तुम समझ रहे हो ना? यस पापा। कम ऑन, बी ब्रेव, अब तुम बड़े हो गए हो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को संभाल पाते हो या नहीं। देखो, तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए पैसे रॉकी के पास छोड़ दिए हैं। ऑलराइट? सोफिया, यू वेट हियर। या ओके। बेटा, यू कम कम। बेटा, यू बी अ गुड बॉय एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ, ऑलराइट? लेकिन पापा, आप जल्दी आ जाना। आई ट्राई माय बेस्ट, ओके? बेटे, ये कुछ ब्लैंक चेक्स मैं तुम्हारे लिए साइन करके छोड़ देता हूँ, जब भी पैसों की जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेना। ऑलराइट? बट बी केयरफुल। ओके पापा। मैं ये चेक ड्रॉअर में छोड़ देता हूँ। ये रही रॉकी चाबी। और सुनो, अब तुम इस एम्पायर के शहजादे हो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू पापा, विश यू अ हैप्पी जर्नी एंड ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू।
रॉकी? बहुत गड़बड़ हो गई। चेक्स मिल गए? नो, सोचा था चेक इजली मिल जाएंगे, लेकिन अब काम बहुत मुश्किल है। ओह गॉड, अब तुम क्या करोगे? वो तीनों गुंडे तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे और मुझे उठाकर सुल्तान भाई के पास मुल्तान भेज देंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आया था, कोई आया था, कोई उल्लू का पट्टा कल रात मेरे कमरे में आया था। तुम लोग क्या समझते हो कि मैं बच्चा हूँ? नहीं, मैं जितना जमीन के ऊपर हूँ उतना ही जमीन के नीचे भी हूँ। तुम सब लोग घोड़े बेचकर सो रहे थे क्या? अगली बार अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। हाय सनी। अरे हाय रूडी, मैं लोकेश, सनी का फ्रेंड। अब तू कान ला, अब तूने तेरे बाजू वाले मकान में देखा क्या? चिकना दिखा तूने? नहीं। फिर देखेगा तो हिल जाएगा। अच्छा, तूने देखा? हाँ, मगर सिर्फ पीछे से यार। तो फिर चलना, देखते हैं। हाँ लेकिन मीटिंग डिस्पर्स। चल 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 चल। वो देख, वो कहाँ है? अबे तेरे पास बायनोकुलर है? हाँ, मेरे रूम में। यस। कश्मीर की वादियों में लहराती काली घटाएं। इधर ला। ए, क्या हुआ? ये ले पकड़। है? यार जब तू देख रहा था तो तुझे पूरा हिंदुस्तान दिख रहा था, और मैं देख रहा हूँ तो एलओसी मुशर्रफ ने बॉर्डर ही सील कर दी। अब क्या करेंगे? अब क्या? देख, लड़की तो देखनी है। हाँ? लेकिन रात को देखेंगे। बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ेगी, समझा? अटैक। Ah.
एक मिनट नई पड़ोसन को देखना है ना। हाँ देखना है ना। पर कैसे? दिखाता हूँ, ये देख। मोटे चल, एक काम कर, तू इधर जा, मैं उधर जाता हूँ, देखते हूज लकी टू सी द गर्ल। ओके ओके, मुझे ही मिलेगी। वाओ, शी इज ब्यूटिफुल। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके पास मेरा बॉल पड़ा है, कैन यू गिव मी प्लीज? मेरे को कुछ भाव ही नहीं दिया। गो टॉमी गो। कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैडम हमारी बॉल इधर आ गई थी। वो तो मैंने किसी को दे दी। किसी को? थैंक यू मैडम, सो क्यूट। मोटे देख, मैं तुझे बोल रहा हूँ, हाथ हटा दे। नहीं डरूंगा। लोकेश हाथ हटा। अबे चल, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरी की तो साले। अबे नहीं छोड़ूंगा तुझे। अबे मेरा गाल है, मेरा गाल है। अबे यार पर वो मेरा माल है ना। हाँ तेरा कैसे? मेरे घर के बाजू में रहती है तो मेरी हुई ना। तेरे घर के बाजू में लाल किला होगा, तेरा हो जाएगा क्या? लाल किला तू ले ले, ये ताजमहल मुझे दे दे यार। पहले मैंने देखा है उसे। अच्छा? वो मेरी है। और तेरे को तो उसने भाव भी नहीं दिया। अच्छा, जिस दिन मेरे बारे में जानेगी ना, देखना कैसे आ जाएगी मेरे पास। कभी नहीं आएगी। उसने मेरे गाल को छुआ है, मेरे से प्यार हो गया है, वो मेरी है। तेरी तो नहीं छोड़ूंगा। ठीक है मार ले, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। ओए उधर तो खुद ही उस कुत्ते से डर गया था और यहाँ मुझे बोल रहा है। कुत्ते से डरता हूँ, तेरे से नहीं डरता। अच्छा नहीं डरता? हाँ नहीं डरता। तेरी की तो हट, चल हट हट, निकल मेरे घर से और आइंदा मेरे घर पे नहीं आना, समझा ना? नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, बुलाएगा तो भी नहीं आऊंगा। चल जा, जा रहा हूँ। जा रही है तू, चल रहा हूँ। हैव टिप, साला आएगा खुद ही।
हेलो मैडम, वो क्या है ना, मैं आपके पड़ोसी का बेटा हूँ, मिस्टर शानबाग का, माय नेम इज सनी। वो क्या है ना, आज मेरा बर्थडे है तो आपके लिए चॉकलेट्स लाया था, लीजिए ना। दैट इज सो स्वीट, कम इन कम इन। ये है मेरा गरीब खाना, बैठो आराम से बैठो, बी कंफर्टेबल। या मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ओके ओके। Have any friend? No, no. Any girlfriend? वो भी नहीं है। अरे तुम इतने स्मार्ट हो और कोई गर्लफ्रेंड नहीं? मुझसे दोस्ती करोगे? तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? Why not? चलो इस दोस्ती के नाम पे मैं तुम्हें कुछ पेश करती हूँ। क्या? मिल्कशेक, वेरी स्पेशल। तुम बैठ के मैगजीन पढ़ो, मैं बना के लाती हूँ। ओके ओके। मैगजीन तो सीधी पकड़ो। ओह, थैंक यू पायल, बाय। सनी, अपनी बर्थडे गिफ्ट नहीं लोगे? व्हाट? थैंक यू। हाय पायल, गुड मॉर्निंग। हाय सनी, क्या देख रहे हो तुम? हमेशा पानी में क्यों तैरती रहती हो? मैं पिछले जन्म में मछली थी और इस जन्म में जलपरी हो। तो जलपरी बुला रही है, कम जंप इनटू द वॉटर, कम ऑन जंप। डूबने के बहाने इसकी गले लग सकता हूँ। व्हाट आर यू थिंकिंग, जंप। कम सनी कम। डोंट वरी सनी, कम। ये मैं कहाँ हूँ? स्टुपिड, तैरना नहीं आता था तो कूदे क्यों? तुमने तो कहा था कि कूद जाओ, इसलिए मैं कूद गया। अगर मैं कहूंगी आग में कूदने के लिए तो कूद जाओगे? हाँ कूद जाऊंगा। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना पायल। अच्छी, तुम्हारे बाल सारे गीले हो चुके हैं, चलो अंदर आओ, सुखा देती हूँ, कम ऑन। Thank you.
हाय पायल। हाय। क्या कर रही हो? मालिश। ओह। सनी, जरा मेरी पीठ पर क्रीम लगा दोगे प्लीज? व्हाई नॉट, थैंक यू। रिलीफ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हेलो। ओ हाय पापा। सनी बेटा, हाउ आर यू? जस्ट मिसिंग यू। मिसिंग यू टू बेटा। क्या कर रहे हो तुम? एंजॉयिंग पापा। एंजॉयिंग व्हाट? रीडिंग बुक्स एंड नॉवेल्स। रीडिंग बुक्स? हाँ, गुड। जानते हो, बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो दिल लगाकर पढ़ता था मैं। मैं भी वही कर रहा हूँ ना पापा। आई एम ट्राइंग टू बी अ वर्दी सन ऑफ अ वर्दी फादर। कीप अप द गुड वर्क माय बेटा। बाय। ओके, बाय पापा। अपने डैडी से झूठ बोलते हो? कभी कभी बोलना पड़ता है। यू नॉटी। हेलो, कौन? अबे मोटे, मैं। याद आ गया ना मेरी जलकुकड़े? अच्छा ये बता, तू पड़ोसन के साथ कहाँ तक पहुँचा? अबे मोटे, तुझे यही बताने के लिए तो फोन किया है। तुझे पता है अब हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। एंड यू नो, वी आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर। अब पायल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। यार पायल से तेरी दोस्ती मुबारक हो। अच्छा ये बता, कुछ हुआ? क्या मतलब? अरे मतलब पूछता है। अरे मेरे हीरो, ये बता तूने उसे टॉप टू बॉटम देखा कि नहीं? हाँ देखा ना। बिना कपड़े के? नहीं। चल फिर फोन करना, 14 पी के सो जा एंड डोंट वेस्ट माय टाइम। अबे मोटे। What are you doing here? मैं night walk के लिए आया था। I see. Come inside. Come. अंदर आओ। इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है। बैठो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं, कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू पायल, तुमने मुझे प्यार का पहला पार्ट पढ़ाया।
अब तुम मेरी दोस्त भी हो और गुरु भी। पायल, पायल, पायल उठो ना, पायल, पायल, पायल उठो ना प्लीज, पायल। क्या हुआ सनी? वो मर गई, मैंने उसे मार डाला। What? कौन मर गई? वो पायल, हा? मेरी फ्रेंड। कौन पायल? वो बाजू वाले घर में रहती है, उसकी लाश वो बिस्तर पे पड़ी है। तुम क्या करने गए थे वहाँ? वो मैं उसके घर के बाहर गया, वो मुझे अंदर ले गई और फिर हम दोनों के बीच सेक्स हो गया। ओ नो, सेक्स हुआ और वो मर गई? तुम यहाँ वेट करो, मैं देख कर आता हूँ। Well done, Payal. Congratulations, Mr. Rocky. आपका मिशन सक्सेसफुल हुआ। क्या हुआ रॉकी? क्या हुआ? गया। तू तो गया। लंबी लगेगी तुझे। सेक्सुअल मर्डर का केस है। रॉकी, अब क्या होगा? पुलिस, कोर्ट, मुकदमा। By the way, कितने साल की हो तुम? पंद्रह साल। यानी कि माइनर, लेकिन अपराध बहुत मेजर है। अखबार में फोटो छपेगा तुम्हारा, जी न्यूज, आज तक, स्टार न्यूज, हर चैनल में न्यूज आएगा तुम्हारा। करोड़पति सेठ मोहन शान बाग का एक लौता बेटा हत्या के केस में गिरफ्तार। रॉकी, बहुत बदनामी होगी। प्लीज प्लीज हेल्प मी। करना होगा, कुछ तो करना होगा। वैसे तो अपराधी की मदद करना भी एक अपराध है, लेकिन तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे पापा का नमक जो खाया है इस मर्डर में, मैं भी तुम्हारा हमराज हूँ। थैंक यू रॉकी। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, ये राज तो राज ही रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पायल मर गई। वो कैसे? सारे सबूत मिटाने होंगे और सबसे पहले उसकी लाश को गायब करना होगा। हा? डरोगे तो नहीं? नहीं। That's good. आओ मेरे साथ। आओ। देखो, मैंने पायल की लाश को लपेट दिया है। हमें इसे रातों रात दफनाना है ताकि किसी को पता ना चल सके। चलो मेरी मदद करो। धीरे से। मैं भी आता हूं। सनी, ये कुदाल लो और गड्ढा खोदो।
तब तक मैं अंदर के सारे सबूत मिटाकर आता हूँ। जल्दी करो। ठीक है। वरी सनी, अब लाश भी दफन हो चुकी है और मैं अंदर के सारे सबूत मिटा चुका हूँ और अब कोई नहीं जान पाएगा पायल कहाँ है। रिलैक्स यार, मैं हूँ ना। कम इतने नर्वस क्यों हो सनी, अपने आप को संभालो। मैं क्या करूँ रॉकी, मेरी आंखों के सामने हर वक्त पायल का चेहरा आता है। भूल जाओ उस चेहरे को, द चैप्टर इज क्लोज फॉर एवर। सारे सबूत मिट चुके हैं और कोई भी नहीं जानता कि पायल कहाँ गई। द सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी। साहब आपका कुरियर आया है। कुरियर? अरे ये तो तुम्हारे नाम से है, तुम्हें किसी का कुरियर आने वाला था? नहीं तो देखो देखो क्या है इसमें। मास्टर सनी, तुम्हारे गुनाहों का सबूत नेगेटिव की शक्ल में मेरे कैमरे में बंद है। यदि बचना चाहते हो तो नेगेटिव की कीमत होगी 1 करोड़ रुपए। अब क्या होगा रॉकी? बहुत बुरा हुआ, इसका मतलब हम दोनों के अलावा भी पायल की मौत का कोई गवाह है जिसने ये सब तस्वीरें खींची हैं। अगर वो पुलिस में चला गया तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। रॉकी प्लीज ऐसे मत बोलो, अब तुम ही तो मेरा सहारा हो। सबसे पहले हमें इस ब्लैकमेलर को पुलिस में जाने से रुकना होगा। वो कैसे? तुम्हें उसकी मांग पूरी करनी होगी। लेकिन रॉकी वो 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? इसका बंदोबस्त तो करना होगा। बैग बोरो स्टील। इतने पैसे मुझे कौन देगा रॉकी? रॉकी क्या तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दोगे? क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ कैश छोड़ गए हैं, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास है? हाँ, पापा ने ब्लैंक चेक्स छोड़े। वेरी गुड, तुम बैंक से 1 करोड़ रुपया निकाल कर उस ब्लैकमेलर को दे दो। ठीक है चलो। लेकिन रॉकी अगर 1 करोड़ रुपया एक साथ निकाला तो पापा को? हाँ तुम्हारी बात भी सही है, ऐसा करते हैं
मैं उस ब्लैकमेलर से 20-20 लाख की 5 इंस्टॉलमेंट मांग लूंगा। ऐसे तो ये ब्लैकमेलर लोग बहुत कमीने होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं उसके पांव भी पकड़ लूंगा। फिलहाल तो तुम 20 लाख का एक सेल्फ चेक काट कर दो। राइट। यस। आप लोग अचानक इस वक्त? हाँ, क्योंकि मुसीबत अपॉइंटमेंट लेके नहीं आती है। लेकिन मेरे पास अभी 10 दिन का टाइम बाकी है। हाँ, वही तो तेरे माइंड में रिमाइंड करने आए हैं। अटैक ब्रदर। प्लीज मत मारिए। देखो चमिया, हमारे हाथ का खुजली अभी तक मिटा नहीं है। तुम कह रही हो तो इसलिए छोड़ देते हैं। ए चमिया, एक बात का ख्याल रखना, अगर ये फेल हो गया तो हम तुझे उठाकर सुल्तान भाई के पास मुल्तान भेज देंगे। लेट्स गो। तुम हंस रहे हो? क्योंकि मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया है। क्या कह रहे हो? मुझे 20 लाख रुपया नगद मिला है और मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। लेकिन क्यों? ये पैसा मैं अपनी फिल्म में लगाऊंगा जो जल्दी ही शुरू होगी और तुम रहोगी मेरी हीरोइन। सच? यस रॉकी डार्लिंग। हाय हाय क्या हाय, काश मैं मोबाइल होता तो पेंडुलम की तरह उसके सीने पर झूल रहा होता। अब देख ना, क्या वो आइटम पसंद नहीं आ गया? क्या बात है सनी, टेंशन में दिख रहा है, एनी प्रॉब्लम? बोला ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग। अबे जब एवरीथिंग इज नथिंग देन आई विल शो यू समथिंग। चल। अरे अबे चल, मोटे नहीं होने ना मुझे, कुछ भी करता रहता है। मस्त है, चल। ओ भाई, ये भी मस्त है। एक्सक्यूज मी। या व्हाट? ओ भाई, रॉन्ग नंबर। निकल जा। क्या हुआ तेरे को यार? तू एंजॉय करने आया है यार, तू भी यार कमाल करता है। क्रेजी गाइस। चल, वही रॉन्ग नंबर, निकल। मोटू क्या सीढ़ी से चल? सीढ़ी से? अबे हट, मैं नहीं जाऊंगा। ए चलना यार। अरे यार तस्वीरें फाड़ने से गुनाह नहीं छुपते सनी, ब्लैकमेलर का मैसेज आया है, उसने इंस्टॉलमेंट मांगा है। रॉकी प्लीज मुझे उस ब्लैकमेलर के पास ले चलो, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और चेक लेकर मुझे छोड़ दे। एक बार पत्थर का भगवान तुम्हारी रिक्वेस्ट मान सकता है, लेकिन वो जीता जाता ब्लैकमेलर तुम्हारी बात नहीं मानेगा। वो ये जानता है कि तुम उसके लिए सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी हो। तो फिर मैं क्या करूं रॉकी? फिलहाल तो तुम एक चेक काट कर दो और मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, शायद वो मान जाए। ठीक है चलो। पायल? हाँ? कह रहे हो सनी, पायल कैसे हो सकती है?
पर रॉकी मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर वो पायल नहीं थी तो कौन थी? तुम्हें टेंशन में हर लड़की पायल दिखती है सनी, यू डोंट नो। इस दुनिया में एक आदमी की शक्ल से मिलते जुलते सात चेहरे होते हैं। तुमने फिल्मों में नहीं देखा राम और श्याम, सीता और गीता, डुप्लीकेट में शाहरुख खान, कहो ना प्यार में ऋतिक रोशन, सब डबल रोल। सनी यू नो सदाम हुसैन के भी पांच हम शक्ल थे। यानी मैंने जिस लड़की को देखा वो पायल नहीं थी? कैसे हो सकती है वो पायल? सनी यू नो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि असली पायल कहाँ है। सिर्फ मैं और तुम नहीं, कोई तीसरा भी है। ऑफ कोर्स, वो कमीना ब्लैकमेलर। लेकिन वो क्या बोला? नहीं माना, बहुत मस्का मारा, उसके पांव तक पकड़ लिए, लेकिन बोला अगर बच्चा नहीं देगा तो उसके बाप से पैसे लूंगा। रॉकी अब क्या होगा? वही जो ब्लैकमेलर चाहता है। बेगर्स हैव नो चॉइस। सनी तुम एक काम करो, बाकी के चेक्स देकर ये मामला हमेशा के लिए खत्म कर दो। चलो मेरे साथ। रॉकी अब मैंने पूरे पैसे दे दिए, उस ब्लैकमेलर से सारे नेगेटिव्स लेके आना प्लीज। पॉजिटिवली, मैं यूं गया और यूं आया और सब कुछ फुल एंड फाइनल करके। ओके। जानेमन, मिशन सक्सेसफुल, अब हमारी लाइफ बन जाएगी। ओह रॉकी, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यस माय लव, मैं पहुंच रहा हूँ। Then sky is the limit. Come soon, Rocky. I'm restless. Please come. I will, my love. Huh? तुम यहाँ? Yes, मैं यहाँ। पागल हो तुम? तुम्हें अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो? Not किसी ने, only Sunny. और वो तुम्हें देख चुका है बुक स्टॉल में। क्या करने गई थी वहाँ? Don't ask me कि मैं वहाँ पे क्या करने गई थी, just ask me कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। Mr. Rocky, मुझे मेरा हिस्सा दे दो और मेरी छुट्टी करो। I need the money. Yes, baby, yes, I will. तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। आज चेक मिला है, कल कैश मिलेगा। You can wait till tomorrow. Trust me. Okay. तेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर तेरे को कोई बेवकूफ बना रहा है। अच्छा एक बात बता, सेक्स करने से कोई कैसे मर सकता है? मुझे लग रहा है समथिंग इज फिशी यार। सनी तूने जिसको देखा है वो पायल ही होगी, वरना तेरे को देख के भागती क्यों? हुँ? लेकिन लोकेश, मैंने पायल की लाश को अपने इन हाथों से दफनाया है। कहाँ? बताता हूँ। अबे ये क्या है? अबे लाश मरने के बाद ऐसी हो जाती होगी। अबे मोटे ये डमी है, समझता नहीं है। रुको सनी रुको। पायल तुम जिंदा हो? बिल्कुल, और सही सलामत। तो फिर उस रात क्या हुआ था? उस रात जो कुछ हुआ था एक सोची समझी हुई साजिश थी, तुम्हें ट्रैप करने का एक प्लान, ताकि तुम्हें ब्लैकमेल किया जा सके। मतलब वो ब्लैकमेलर तुम हो? तुम कितने भोले हो सनी। ब्लैकमेलर मैं नहीं, बल्कि तुम्हारा मैनेजर रॉकी है। व्हाट? यस बिलीव मी, मुझे यहाँ पे रॉकी लेकर आया था ताकि मैं अपनी अदाओं से तुम्हें अट्रैक्ट कर सकूं, और जब तुम मेरे दीवाने हो जाओ तब मैं तुम्हारे साथ मरने का ड्रामा करूं। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पायल? मैं हालात के हाथों मजबूर थी सनी। मेरा बॉयफ्रेंड मिक्का इस वक्त मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसके ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपयों की जरूरत थी,
अपने प्यार के खातिर मैं अपने आप को बर्बाद करने के लिए तैयार हो गई। मेरी जरूरत मुझे रॉकी के पास लेकर आई और उसके कहने की वजह से मैंने ये ड्रामा किया। लेकिन मैं खुद कर्ज ये भी भूल गई कि एक मासूम बच्चे के साथ मैं कितना बड़ा फरेब कर रही हूं। आई एम सॉरी सनी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन पायल, उस रात हम दोनों के बीच जो हुआ वो तुम्हारे मिका के साथ धोखा नहीं है? नो, नॉट एट ऑल। उस रात हम दोनों के बीच में कोई सेक्स नहीं हुआ था, सो डोंट फील गिल्टी। व्हाट आर यू सेइंग? यस, तुमने नादानी में ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए तुम बेहोश हो गए थे। जब तुम्हें होश आया तब मैं ऑलरेडी मरने की एक्टिंग कर रही थी। थैंक गॉड तुम ठीक हो, और हाँ, अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो रॉकी गया कहाँ? पता नहीं, मुझे और तुम्हें धोखा देकर वो कहाँ चला गया? जाएगा कहाँ, अब उसे हर हाल में खोजना होगा। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर डाला, अपनी जिंदगी को किस उलझन में डाल दिया। पापा ने एक जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उस कमी ने रॉकी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं पापा को क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा? I'm Rocky. Rocky Sagu from Kenwood. Touch wood. मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ एक फिल्म बनाना, जिसका टाइटल है AAA Part 2, दैट इज अमर अकबर एंथनी Part 2, और मेरी फिल्म कंपनी का नाम है रॉकी एंड रॉकी प्रोडक्शंस। या क्या कह रहे हो तुम? हाँ पहल, वो मुंबई में फिल्म बना रहा है। वो भी तुम्हारे पैसों से? हाँ, और मुझे अब रॉकी से हर हाल में अपने पैसे वापस लेने। एंड दिस इज माई मिशन। यू शुड, और इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। रियली? वाई नॉट? मेरे कारण तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। आई एम फीलिंग गिल्टी। मुझे प्लीज पश्चाताप करने का मौका दोगे? एक से भले दो। कम ऑन, नाउ वी विल फ्लाई टू मुंबई। हम मुंबई पहुंच गए सनी, अब जल्द से जल्द रॉकी का पता लगाना चाहिए। डोंट वरी पायल, मिल जाएगा। पहले हमें नानावटी हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारे मिका से मिलने। ऐसे ही हालचाल पूछ लेंगे, हाय हेलो कर लेंगे। व्हाट डू यू से? कम ऑन, लेट्स गो। हाय मिका। हाय। आई एम सनी, पायल्स फ्रेंड। हाय सनी। आप लोग बातें करो, आई जस्ट कम। नाइस बॉय। कैसे हो मिका? बस एक लाचार जिंदगी जी रहा हूं। ऐसा क्यों कहते हो तुम? इस ठहरी हुई जिंदगी से तंग आ गया हूं पायल, ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? नहीं मिका, ऐसा नहीं कहते। तुम मेरी चाहत हो, मेरा प्यार। मैं तुम्हें कमजोर नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी की बैसाखी बनूंगी मिका। आई लव यू, आई लव यू। हेलो, अगर आप लोगों का लव सॉन्ग खत्म हो गया हो तो मैं आई ज्वाइन यू। अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैं यही था हॉस्पिटल में, लेकिन तुम दोनों अपने सपनों की दुनिया में बहुत दूर चले गए थे। डॉक्टर साहब को लाया हूँ। मिस्टर मिका, डोंट वरी, मैं आपके स्पाइनल कोर्ड का ऑपरेशन करूंगा और आप फिर से अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी फीस? इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सनी के पापा मिस्टर शानबाग मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और आप सनी की फ्रेंड है, इसलिए इनका ऑपरेशन करना मेरा फर्ज है। ओके पायल, तुम मिका का ख्याल रखो, मैं रॉकी को ढूंढता हूँ। नहीं सनी, तुम अकेले कैसे जा सकते हो? इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। I'll see you soon. Bye, Mika. Bye. All the best. Thank you.
मिस्टर रॉकी है क्या? पहले आप रिसेप्शन पर मैडम से परमिशन लीजिए, फिर अंदर जाइएगा। हेलो, या इट्स प्रीति फ्रॉम रॉकी एंड रॉकी प्रोडक्शन। कौन? डॉक्टर सोलंकी? क्या कहा? मेरी डॉगी की सोनोग्राफी रिपोर्ट आ गई है। वाओ, वो 8 बच्चे पैदा करने वाली है। वाओ, हाउ एक्साइटिंग। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। यू नो, मेरी डॉगी 8 बच्चों की माँ बनने वाली है। बाय द वे, आप लोग कौन हैं? वो हमें मिस्टर रॉकी से मिलना है। यू हैव एनी अपॉइंटमेंट? नो सॉरी, आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि मिस्टर रॉकी इस वक्त बिजी हैं। लगता है आप ये ड्यूटी पे नई नई लगी हैं, नहीं तो आप मुझे नहीं रोकती। क्यों? क्योंकि मैं रॉकी का भाई हूँ। सॉरी, मेरी नॉलेज में मिस्टर रॉकी का कोई भाई नहीं है। लेकिन मैडम, मेरा रॉकी से मिलना बहुत जरूरी है। ओके, टेक दिस कार्ड और अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। ओके। हेलो, या इस प्रीति फ्रॉम रॉकी एंड रॉकी प्रोडक्शन। इस लड़की ने तो हमें पहले ही बॉल में आउट कर दिया। डोंट वरी बाबा, ये तो नो बॉल था। क्या मतलब? मतलब असली मैच तो अब शुरू होगा ना। चलो मेरे साथ। तुमने उसके डॉगी लकी का फोटो तो दिखाई है? हाँ। उसका डॉगी हमारे लिए लकी है। हाँ? तुम एक काम करो, रॉकी एंड रॉकी प्रोडक्शन में अपने मोबाइल से फोन करो और उससे कहो कि उसके डॉगी का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। चलो, वेरी गुड। या मिस प्रीति फ्रॉम रॉकी एंड रॉकी प्रोडक्शन। मिस प्रीति, मैं ट्रैफिक पुलिस की इंस्पेक्टर बोल रही हूँ। आपके डॉगी लकी का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ? उसके पेट के ऊपर से मोटरसाइकिल चली गई है, उसका तो मिसकैरेज भी हो गया है। ओह नो, वो बहुत तड़प रही है, आप प्लीज जल्दी आइए। ओह माय गॉड, ओह लकी, आई एम कमिंग लकी, माय चाइल्ड, आई एम कमिंग, मामा इज कमिंग, माय लकी। यस। पायल, तुम यहाँ संभालो, मैं अभी आता हूँ। ओके। हेलो, दिस इज पायल फ्रॉम रॉकी एंड रॉकी प्रोडक्शन। देखा रोबीना, ये आजकल के राइटर इंग्लिश फिल्मों की नकल भी ठीक ढंग से नहीं मार सकते। ये सब्जेक्ट लेके शाहरुख के पास जाऊंगा तो मुझे धक्के देके बाहर निकाल देगा। तुम्हारा धक्के खाने का टाइम तो आ गया है मिस्टर रॉकी। हेलो, क्यों, कैसा लगा ये धक्का? डार्लिंग, तुम जरा अंदर जाओ, मुझे सनी से कुछ बात करनी है। ओके। एक्सक्यूज मी, जरा दो चाय भेज देना। कैसे हो सनी? मेरी छोड़ो, लेकिन तुम तो बड़े मजे में हो। आलीशान बंगला, बढ़िया ऑफिस, ताम झाम, और सुना है फिल्म बना रहे हो। सही सुना है। मेरे पैसों से? पैसे पर किसी का नाम नहीं होता है, पैसा जिसके पास होता है पैसा उसका होता है। करेक्ट, लेकिन ये पैसा तो उन 5 चेक्स का है जो मैंने तुम्हें दिए थे। मगर सब चेक तुम्हारे नाम के थे, मेरे नाम का कोई नहीं था। और ये कोई प्रूव भी नहीं कर सकता कि मैंने 1 करोड़ रुपए से तुम्हारी हजामत की है। सही कह रहे हो, तुमने मुझे बच्चा समझकर बेवकूफ बनाया, लेकिन अब मेरी समझ में तुम्हारा पूरा गेम आ चुका है। वेरी गुड, क्या कर लोगे? पुलिस में जाओगे? जाओ, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे लेकिन पुलिस को क्यों बीच में लाते हो? ये हमारा आपस का मामला है। मैं तुमसे पैसे लूंगा और तुम मुझे पैसे दोगे, दैट्स ऑल। लो सनी, बाहर जाकर आइसक्रीम खा लेना और एक अच्छे बच्चे की तरह वापस लौट जाओ। नहीं नहीं, आइसक्रीम की मुझे नहीं तुम्हें जरूरत है। मैं तुम्हारे पास अपना पैसा लेने आया हूँ और ये मेरा चैलेंज है कि तुम मुझे अपने हाथों से पैसे दोगे, वो भी नगद, हार्ड कैश। अच्छा, तो छोटे मियाँ चैलेंज कर रहे हैं। याद रखो, रॉकी ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तो अब मानोगे? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नॉट माइन,
But your time has already been started. Security. Amar Akbar Anthony reporting, sir. Yes, sir. सुनो, इस बच्चे को उठाकर बाहर फेंक दो. Okay, sir. Let's go. जो पैसा देना जानते हैं वो वापस लेने का दम भी रखते हैं. माइंड वेल. अबे जा रे, जा जा जा. One, two, three. Okay, I'll call you back later. Thank you. Hey, what are you doing here? Waiting for you. Yeah, but why? Very bad. आपको समझना चाहिए आप ऐसे रिसेप्शन छोड़ के कैसे जा सकती हैं. मिस्टर रॉकी इज वेरी एंग्री विद यू. उन्होंने तो मुझे अपॉइंट भी कर लिया था. यू शुड बी वेरी केयरफुल. प्लीज प्लीज गो बैक टू योर सीट. हाउ कुड यू डू दिस. वेरी वेरी बैड. गो. मेरी बात मानो सनी. रॉकी एक बहुत चालाक आदमी है. अपने पापा को सब सच्चाई बता दो, शायद वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे. नो, नेवर. ये मेरी नादानी का नतीजा है पायल. रॉकी ने मुझसे पैसे लिए हैं और मुझे वो पैसे वापस चाहिए. एंड दैट टू बिफोर पापा इज बैक. तुम्हें लगता है वो कमीना हमें पैसे देगा? पायल, मैं उसे पैसे वापस देने पर मजबूर कर दूंगा. मगर कैसे? सबसे पहले हमें रॉकी की डेली रूटीन का पता लगाना होगा. बॉबी डार्लिंग, इससे पहले आपने कौन कौन सी फिल्में की हैं? मैडम रूबीना, वैसे तो मैं सुभाष गोयल और रामगोपाल वर्मा का चीफ असिस्टेंट रह चुका हूँ, लेकिन अब रॉकी साहब मुझे इतना बड़ा ब्रेक दे रहे हैं. देखिएगा मैडम, ऐसी सुपर डुपर हिट फिल्म बनाऊंगा कि आप रातों रात सुपरस्टार बन जाएंगी. बॉबी डार्लिंग, यही सपना देखते देखते न जाने मेरी कितनी रातें बीत गई हैं. हाय हनी. हाय डार्लिंग. जल्दी आओ ना, बॉबी डार्लिंग तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं. हाय रॉकी सर. आई नो डार्लिंग, तुम्हें तो पता है कि 8 बजे मेरा स्विमिंग का टाइम होता है और इस वक्त मैं किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देता. अच्छा, तो रॉकी रोज 8 बजे स्विमिंग करता है. लेकिन डार्लिंग, मिस्टर बॉबी का ऑलरेडी दूसरी जगह अपॉइंटमेंट है. ओके डार्लिंग, तुम कहती हो तो इनकी स्टोरी सुन लेता हूँ. चलो मिस्टर डायरेक्टर, अपनी स्टोरी सुनाओ. रॉकी सर, रॉकी सर, जो मैं सीन आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारी फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाएगा. हमारी फिल्म का जाबाज हीरो शाहरुख खान हाइड्रोलिक क्रेन पर 120 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ है और शक से नीचे आता है. और यहाँ हमारी फिल्म की कम सीन हसीना रूबीना मैडम कुछ गुंडों से यानी कि विलन से घिरी हुई है, ठीक उसी तरह जिस तरह शोले में हेमा मालिनी यानी कि बसंती गुंडों डाकुओं और गब्बर सिंह के बीच घिरी हुई थी. और अचानक हमारी फिल्म का जाबाज हीरो मजबूती से आता और ठाक से उनकी बाहें पकड़कर खींचकर ऊपर ले जाता है. और उसके बाद सर, उसके बाद ऐसा सीन जमाऊंगा कि लोग पागल हो जाएंगे. एक कैमरा यहाँ से लगाऊंगा, एक वहाँ से, ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से. सर, ऐसा सीन जमाऊंगा 12 कैमरों से, लोग देखकर पागल हो जाएंगे. फिल्मी दुनिया के इतिहास में एक माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस बन जाएगा. कैसा लगा शॉट सर? अरे अरे अरे, तू डायरेक्टर है या कैमरा सप्लायर? मैं मुगले आजम नहीं बना रहा. 12 कैमरे लगाकर मेरे क्या 12 बजाएगा? चल फुट पतली गली से. Sir, you are insulting me. I say you can go. Rocky, तुमने उसे क्यों भगा दिया? उसने कितना अच्छा सीन बताया था. मैं शाहरुख की बाहों में. अरे रूबीना, तू अभी तक शाहरुख की बाहों में लटकी हुई है. एक बात तो बता, शाहरुख है कहाँ? क्या मतलब? अरे इतने दिनों से हम रेडियो में, टीवी पर, पेपर में शाहरुख का नाम ले रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया है. आएगा, बहुत जल्दी आएगा. What? क्या कह रहे तुम? मैं तुम्हारे प्यार में मर जाऊंगी राजा. आज मुझे पता चल गया है कि तुम कितने बड़े बाजीगर हो. मैं तुम्हारी हकीकत जान गई हूँ, लेकिन मेरा भी एक चैलेंज है कि मैं तुम्हें अपना
बना के रहूंगी। जानी मन इमोशन लाओ अपनी एक्टिंग के अंदर, इमोशन। इंडिया में इमोशन बिकता है। शाहरुख खान की पिक्चर की हीरो ना तुम। माइंड वेल, देखो किसका फोन है। हेलो हेलो, इज दिस रॉकी एंड रॉकी प्रोडक्शन? यस। इज मिस्टर रॉकी देयर? हु इज दिस? इट्स गौरी खान। व्हाट, मिसेस गौरी खान? यू मीन मिसेस शाहरुख खान? यस ऑफ कोर्स। वेयर इज मिस्टर रॉकी? शाहरुख वांट्स टू स्पीक टू हिम। मैडम मैडम, कैन आई टॉक टू शाहरुख जी प्लीज? No, I'm sorry. Shahrukh will speak only to Mr. Rocky. Hello, madam. This is Rocky here. Just a minute. Shahrukh, Mr. Rocky wants to speak to you. Hi, Mr. Rocky. It's my pleasure talking to you, sir. Thanks. Thank you very much, Mr. Rocky. Gauri ne tumhara interview dekha. You are an ambitious guy. Usne mujhse kaha ki tum mere saath film banana chahte ho. Yes, sir. It's my dream project, sir. Dreams are always unlimited, Mr. Rocky. Well, I am ready to work with you. Are you ready? Sir, I'm ready. Okay. मैं तुम्हारे लिए अपने दो projects cancel करता हूँ और shooting के लिए foreign dates देता हूँ. Thank you, sir. You're great. No, God is great. अच्छा, तुम कल ठीक 11 बजे मेरे band stand वाले बंगले पर 1 crore रुपए advance लेके आ जाना. वो भी cash. Any problem? No problem, sir. कल मैं ठीक 11 बजे पहुंच जाऊंगा, sir. Okay, meet you tomorrow. Yes! I've done it. अब मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा. Oh, Rocky! हाँ. Yeah.
हुआ है ना व्हाट लेट्स स्टार्ट आवर फेस टू कूल हेलो दिस इज रुबीना फ्रॉम रॉकी एंड रॉकी प्रोडक्शंस कौन रुबीना रॉकी की अटेंडेंट नो मैडम रॉकी के फिल्म के हीरोइन हूँ रुबीना व्हाट नॉनसेंस रॉकी ने कहा था हीरोइन शाहरुख के चॉइस की होगी आप कौन बोल रही हैं इट्स गौरी खान मैडम प्लीज मेरी हेल्प कीजिए आप शाहरुख जी से बोलिए ना मुझे हीरोइन बना दे मेरी लाइफ बन जाएगी प्लीज ओके ओके वो सब बातें हम एग्रीमेंट के बाद करेंगे पहले फोन रॉकी को दीजिए वो अभी बाथरूम में है नो प्रॉब्लम मिस्टर रॉकी को ये मैसेज दे देना कि 11 बजे की अपॉइंटमेंट तो फिक्स है पर अभी वेन्यू चेंज हो गया क्यों मैडम क्योंकि शाहरुख खान 1 करोड़ कैश घर पे नहीं ले सकते यू नो इनकम टैक्स अंडरवर्ल्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं यस मैडम शाहरुख पाली हिल वाले बंगले पे मिलेंगे यू नोट द एड्रेस 32 कस्तूरी बंगलो पाली हिल यस मैडम आई हैव ऑलरेडी नोटेड इट ओके या रुबीना, इट्स मी, रॉकी। ऐसे कार्टून बन के तुम शाहरुख जी से मिलने जाओगे? I know, जाना पड़ेगा। शाहरुख खान मेरी फिल्म जो साइन कर रहा है, इसलिए इंडस्ट्री के दूसरे प्रोड्यूसर्स की सुलग गई है। They have created this problem। तुम्हारे लिए शाहरुख जी ने मैसेज भेजा है। क्या? मीटिंग कैंसिल तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, सिर्फ वेन्यू चेंज हुआ है। तुम्हें बैंडस्टैंड में नहीं, पाली हिल वाले बंगले पे बुलाया है। This is the address. जरूर जाऊंगा Excuse me. Mr. Khan, Shahrukh Khan. Ho, सगळे तुमचीच वाट पाहता है, या ना आज? मुझे मराठी नहीं आता, Mr. Khan. आत आहेत ना, लवकर जावा. Hey, Joker. I'm not a Joker. I'm a producer. Joker! Show me! Show me!
मैं जोकर नहीं शाहरुख खान का प्रोड्यूसर हूँ। गौरी खान हियर। हेलो मैडम, आपने मुझे गलत एड्रेस दे दिया है। एड्रेस सही है, हम दोनों यहीं पर हैं, ठीक तुम्हारे पीछे। जस्ट टर्न अराउंड। तुम दोनों एक साथ? हम साथ साथ हैं। क्या मतलब? शाहरुख खान, मिसेस गौरी खान। हाँ यानी ये सब तुम्हारी बदमाशी है? यस मिस्टर रॉकी। छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट लीव यू। Amar Akbar and Anthony reporting. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Kya hua? Oh, follow, follow Mimi. अंदर जाओ और अंदर जाकर देखो कि वो लड़की क्या कर रही है।
आजा 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 आ आ आ तेरी तो ये 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 हेलो पुलिस स्टेशन ओके जस्ट टेल मी मेरा पैसा लेके तुम कहाँ जाओगे तेरा पैसा यू 420 चीटर ये मेरा पैसा है जो मेरे पास वापस आ गया वेरी गुड आई लाइक इट सो यू गॉट योर मनी बैक कांग्रेचुलेशंस मिस्टर विनर थैंक यू मिस्टर फ्रॉड मेंशन नॉट तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे नो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सनी बॉय तुमने यहाँ से भागने की जरा सी भी कोशिश की तो तुम्हें यहाँ से सीधा नीचे फेंक दूंगा और तुम्हारा खेल खत्म तुम्हें क्या लगता है तुम ये खेल जीत जाओगे रॉकी ने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा है यस आई एग्री कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है ये 1 करोड़ रुपया तुम्हारा है जो ब्लैकमेल करके मैंने तुमसे लिया है और तुमने सेल्फ विड्रॉ करके मुझे दिया है लेकिन इसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है चलो मुन्ना ये भी माना कि पायल को प्लांट मैंने किया था मैंने उसे बोला था मरने का झूठा नाटक करने को ताकि तू उसे मरा मान ले तू बेवकूफ बनता गया मैं बेवकूफ बनाता गया तू चेक देता गया और मैं चेक लेता गया थैंक यू मिस्टर रॉकी तुमने अपना गुनाह कबूल किया लेकिन इसका तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है सबूत देखेगा ठीक है सॉलिड सबूत पेश करता हूँ उधर देख उधर देख हाँ?
अब नीचे देख। पीछे देख। Hi boss, shot is okay. तू यहाँ? Hi, देखा बॉबी डार्लिंग का धमाल? मेरे 12 कैमरों का कमाल, ऊपर से लिया, नीचे से लिया, आगे से लिया, पीछे से लिया, जहाँ जहाँ से मिला वहाँ वहाँ से लिया। बच्चू 12 कैमरे से ऐसा शॉट लगाया कि तेरा फुल एंड फाइनल हो जाएगा, आपकी बार तो पूरा का पूरा अंदर जाएगा। यू चीट। सो योर गेम इज ओवर मिस्टर रॉकी। Hey, Crane Town! Arrest him. Arrest him. No problem. Yes. आया ये चैप्टर अमर अकबर एंथनी पार्ट टू फिल्म बनाएगा बोल के अपने को इधर बुलाया। इधर बुला के सरकारी दूल्हा बनाया, हमको जेल भेजवाया। Don't worry, होता है, ऐसा भी होता है। Better try next time. चलो जाने मन, जेल में चल के फिल्म बनाएंगे। But without screen test, okay? Okay. Hey, चलो चलो, चलो. Let's go, brothers. मैं नहीं जानता था कि रॉकी इतना बड़ा दगाबाज होगा। Thank God it's over. Sorry, Mr. Shanbag. Nothing is over. बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। They should be handled with care. माँ बच्चे की पहली गुरु होती है और बाप बच्चे का पहला गाइड। Unfortunately, सनी को ना माँ का प्यार मिला और ना आपकी गाइडेंस एज अ फ्रेंड एंड अ फिलोसोफर। और जिस स्कूल में सनी जाता है वहां पे इस कच्ची उम्र में कोई भी बहक सकता है। तुम सही कह रही हो पायल। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि बच्चे पैदा करने के बाद हमारी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती। हमें इनकी परवरिश का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू पायल। टेक केयर। थैंक यू। हाय सनी। हाय मिस। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी यूएसए। जब से तुमने मुझे यूएसए कहा है मैंने मेरे हर टॉप पर प्रिंट कर दिया यूएसए। नाउ फ्रॉम टॉप टू बॉटम आई एम यूएसए। लेकिन मिस मेरे यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। देन व्हाट डू यू मीन? यूएसए मींस व्हाट?